गुड मॉर्निंग एवरी वन, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड आफ्टरनून एवरी वन। क्या हो गया? आज मैंने इसकी भी हेयर वॉश। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और मैं पूर्णिमा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज है फर्स्ट नवरात्रि और वैसे तबीयत तो मेरी नहीं है ठीक, बट फिर भी कोशिश कर रही हूँ व्लॉग बनाने का। जैसे पारस और प्रीशा को हो रहा था ना पेट में दर्द और उल्टी, ये वो उल्टी आना बार बार, वैसे ही मेरे साथ हो रहा है। मेरे को लगता है इनका मेरे को भी लग गया, तो मैंने अभी पूजा कर ली आफ्टरनून, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये व्लॉग आपको मेरा दिन को मिलेगा। और नवरात्रि आज से स्टार्ट है, व्लॉग आपको मेरा कल मिलेगा। आज है पहला नवरात्रा, तो माता रानी करे आप सब लोगों की जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो जाए। जो भी मेरी बहुत ऐसी बहनें हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं कुछ ऐसी, तो माता रानी करे उनकी झोली खुशियों से भर जाए और बहुत जल्दी उनके घर में भी बच्चे हों। और अभी मैंने लंच बनाया नहीं, अभी बनाऊंगी, पूजा करने में लेट होगी। और आज इसके मैंने ना फेशियल के लिए हेयर वॉश कर दी है, फिर ऐसे क्लिचर लगा के छोड़ दिया है। अभी कॉम मैंने इसकी नहीं करी है। पारस को बिठाया है मैंने पढ़ने और मैंने कहा चलो आज नवरात्र है तो सूट डालती हूँ। और कुछ लोग ऐसे गंदे लोग हमारी लाइफ में आ जाते हैं, हम क्या बोल सकते हैं। इसका एक पेपर रह गया है ना, फोन की पड़ी है बस, फोन फोन है ना, और कुछ नहीं। और टीवी, टीवी अच्छा, और पढ़ाई नहीं करनी? नहीं करता है पढ़ाई करने का मन? करता है, करता है, नहीं करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं बना रही हूँ आलू और पनीर की सब्जी बिना लहसुन और प्याज के। तो यहाँ पे मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, उसमें मैंने एक तेज़पत्ता लिया, इसमें डालूँगी जीरा, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर और इनको अच्छे से चला लूँगी। फिर इसमें मैं यहाँ पे टमाटर में ऐड करूँगी मसाले, नमक, हल्दी, मसाले वही जो डालते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल सा बना रही हूँ। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है और जीरा पाउडर है। और जैसे नवरात्रि चले ना तो ज़्यादा मसाला मैं नहीं यूज़ करूँगी, इसको अच्छे से चला लेंगे। और ये देखो मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी आलू, आलू को अच्छे से मिला लूँगी मसाले के साथ और इसको जो है मैं वो कवर करके 4-5 मिनट के लिए अच्छे से ऑयल में फ्राई होने दूँगी। तो ये देखो आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप पानी, हम चावल के साथ खाएंगे। आप चाहे तो आप सूखे आलू भी बना सकते हो, ऐसे बहुत ही टेस्टी बनते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लहसुन प्याज डालो चाहे ना डालो, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसमें मैं फिर ऐड कर दूँगी पनीर, और ये पनीर मेरे घर का बना हुआ है। बच्चे आजकल मेरा दूध नहीं पी रहे हैं तो उसका सोचा मैंने पनीर निकाल दूँ। तो इसको मैं 3-4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई होने दूँगी और फिर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी धनिया। और ऐसे पनीर और आलू मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया था पर बहुत ही टेस्टी बना हुआ था, आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो। और नवरात्रि में कुछ लोग खाते हैं लहसुन प्याज, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो ये देखो देखने में कितना यम्मी लग रहा है। क्या खाएगी? तो ये देखो फ्रेंड्स 2 बज रहे हैं ना और मेरी ज्योत अभी भी जल रही है। जय माता, बोलो जय माता दी, जय माता दी चप्पल के साथ है। तो फ्रेंड्स लंच मैंने बना लिया है अभी और मेरी खुद ऐसी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, ऐसे उल्टी आ रही है बहुत ज़्यादा। सोचा था इसको पारस को बिठाऊंगी अब थोड़ी देर पढ़ने, ऐसे ना पूरा ये दोनों खा रहे हैं यहाँ पे खाना, देखो बेड पे बैठ के। मम्मा पापा 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 आ गए, मैं डोर खोल के आती हूँ।
सो गई है अभी फ्रेंड्स, और इसको मैंने बिठाया है। क्यों बिठाया है? पढ़ाई करवाने। और इसका कल हिंदी का पेपर है, उस हिंदी का तो इसको कुछ भी नहीं आता है। नहीं आता है ना? नहीं आता है ना? तो अभी मैं इसको थोड़ी देर और पढ़ाऊंगी, मेरी खुद तबीयत खराब हो रही है, फिर उसके बाद थोड़ी देर करूंगी रेस्ट। लंच भी मैंने नहीं किया, मुझे ना आज बार बार वॉमिट आ रही है, उल्टी आ रही है बार बार। प्रीशा तो अपने आप ही सोगी, बिना सुलाई बेचारी। मैं इसको थोड़ी देर पढ़ा लेती हूँ पारस को, फिर उसके बाद मिलते हैं तो होटल में। अपने आप ही बोल रहे हैं, क्या मिलते हैं थोड़ी देर में, क्या देखो कुछ हो गया टूट गया। देखते हैं, मंदिर जाना है शाम को, मैं मोटर साइकिल करते जा रहे हैं, जाया करने। पेपर है कल, देखो पैंथलेट के अंदर हो क्या, देखो ऐसे ऐसे कारनामे करने के लिए ठीक है ये, पर देखो मेरे बोला तो ये उमा यहाँ कित की आ रही है तो फोन लगा है, फिर चल देखते हैं। अगर गए शाम को मंदिर तो उसका थोड़ा सा कैसे खा रहा है पारस, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है पारस? तो ढंग से खा, बैठ कैसे कैसे खा? क्या खा रहा है? ऐसे नहीं खाते हैं, ऊपर वाला। तो अभी पारस ने खाया है डिनर में ब्रेड जैम, खाना मैंने आज नहीं बनाया, मेरे से नहीं बन रहा था। क्यों? प्रीशा लगी है फोन में। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, जाते मंदिर जाना था हमने पर नहीं जा पाए तबीयत खराब होने की वजह से। कल जा पाए, कल पारस के पेपर खत्म हो जाएंगे, फिर हम कल कहाँ जाएंगे, जाया करने जाएंगे अगर तबीयत ठीक होगी तो। और तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गुड नाइट, बाय करो। बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।